सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोला गोकर्णनाथ में होने जा रहे उपचुनाव से पहले यहां एक रैली को संबोधित किया। जनता की यही पुकार, गोला गोकर्णनाथ में बनेगी अमर नगरी की सरकार। रैली में अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही विपक्षी समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि सपा अभी से हार से बौखला कर रोना शुरू कर चुके हैं। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने अभी से कहना शुरू कर दिया है, पहले ईवीएम को दोष देते थे और अब कह रहे हैं कि चुनाव जबरदस्ती जीता जा रहा है। चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता, चुनाव मतदाताओं के आशीर्वाद से जीता जाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर बोला हमला, पहले मतदान फिर भोजन। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान अमनगिरी को जीतना है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान अमनगिरी को जिताना है, सपा की टक्कर में कोई नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता की यही पुकार, अमनगिरी की बनेंगे विधायक। आपके बीच में आह्वान करने के लिए आई है, हमारे सबसे बड़े युवा विधायक है, मंत्री है खन्ना जी, और 9 बार विधायक रह चुके शाहजहांपुर से, 9 बार। नॉन स्टॉप है, लगातार। और आप जी जब यहां पर शेर शायरी कह रहे थे तो ऐसे लगता था कि जैसे कहीं पर कोई कमाली गाने के लिए, जलाधर जी के नेतृत्व में कार्य करने के लिए हमारे विधायक गण भी यहां पर सभी लोग लगे हुए हैं। और मैं आप जहां तक आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं तो भाइयों बहनों, विजयी बनाने का मंत्र एक ही हो सकता है, भारी बहुमत से विजय का मंत्र एक ही हो सकता है और उसका सूत्र है अपील करने के लिए। बोलेंगे मतदान का प्रतिशत बढ़ाएंगे ना, पहले मतदान और फिर जलपान। एक एक मतदाता मतदान करने के लिए जाए, उपचुनाव में लोग लापरवाही कर, हमारे मतदाता किसानों के भावनाओं के विरुद्ध कार्य कर जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आपने देखा होगा सरकार इस मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे और पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज तो दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, ये वही माफिया है जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी पोती बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं। जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निर्णय का, किसी बाल बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, आपने आप आश्वस्त करने के लिए आया तो अपने बहुत महत्वपूर्ण चीज है। स्वर्गीय अरविंद गिरी की विरासत है, तय हुई थी कि विकास से खाता इस रूप में आगे बढ़ेगा, उस पर कार्य भी बनी थी करने के लिए, लखनऊ से टीम भी आई थी, लेकिन वह सपना अधूरा रह गया है। उस सपने को साकार करना है और संयोग से हमारे बीच में सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी श्री अमनगिरी को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी। अपने पिता के विकास के अभियान को, सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र पर विचार करने वाले अपने पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए आए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं आप सबकी भावनाएं स्वर्गीय अरविंद गिरी के साथ है और आप उन्हें वोट देंगे, लेकिन हमें रिकॉर्ड मात्रा में श्री अमनगिरी की जीत की गारंटी चाहिए, क्योंकि एक सामान्य जीत होती है लेकिन भाइयों बहनों इतनी वास्तविक काशी में बदलने के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए फिर यहां पर आकर के वास्तविक स्वरूप इस छोटी काशी को देने का कार्य भी हम लोग करेंगे, जिससे आस्था का भी सम्मान होगा, रोजगार का भी सृजन होगा, यहां के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा और साथ साथ
एक एक व्यवसायी का पटरी व्यवसायी को पुनर्वास करके किसी को भी उठा देंगे नहीं, लेकिन सुंदरीकरण का काम बेहतरीन तरीके से करते हुए यहाँ की जनआस्था का सम्मान करने का काम भी होगा। इस जनपद में 5100 बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हुआ है, तो निराश्रित महिला पेंशन में लगभग 1,00,000 बहनों को इस पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। दिव्यांगजन पेंशन में भी 21,500 से अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। और यही नहीं, कॉलेज खुलवाए, आईटीआई खुलवाए, चिकित्सालय खुलवाए, और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ पे बाबा गोला गोकर्णनाथ मंदिर को जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है, इसको भी काशी की तर्ज पर बेहतरीन कॉरिडोर के रूप में हमारी योजना भी बनानी प्रारंभ हो गई। ये दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में आज श्री अरविंद गिरी जी नहीं है, लेकिन उनके सुयोग के पुत्र से और भाइयों बहनों सचमुच उस इस कार्यक्रम कर चुके हैं। यहाँ पर स्वर्गीय अरविंद गिरी की भावनाओं के लोग गोला को कर्णनाथ कोशी तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाया है। और भाइयों बहनों, मैं आया हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया है पूरे देश को, सबका साथ सबके विकास का, विकास सबका। आपने देखा होगा विकास की योजनाओं में हमने किसी की जाति किसी का मत, आपके गन्ना मूल्य का एक एक पाई का भुगतान करवा करके ही हम लोग रहेंगे। हमने कह दिया सभी चीनी मिलों के साथ पहले से बैठक तय हो गई है, और मैंने कह दिया है कि नया सत्र प्रारंभ होने के साथ ही एक एक अन्नदाता किसान का गन्ना, किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो जाना चाहिए, और अन्यथा अगर कहीं किसी ने कोताही बरतने का काम किया तो फिर याद रखना हमारी जेलें भी इंतजार करती हैं उन लोगों की। 1,500 से अधिक गरीबों के लिए लखीमपुर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं, 1,01,000 से अधिक। 8 महीने पहले याद करिए, इसी स्टेडियम में श्री अरविंद गिरी जी के लिए, रोमी सहानी जी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया था, और उस समय मैंने कहा था कि भाइयों बहनों, अरविंद गिरी जी को, मंजू त्यागी जी को, और हमारे सभी इस जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन सबको चुनाव जिता करके भेजिए, सरकार बनेगी आपकी भावना के लोग, प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था की स्थिति को भी सुधार करके आपको देंगे, जो बचा होगा उसको ठीक करेंगे, और विकास की गति को उसी तेजी से हम आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। भले बोलो, आपने उस समय हमें समर्थन दिया, आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। लखीमपुर खीरी ने सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजी, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के विजयी अभियान को बाधित नहीं होने दिया। विपक्ष को हमेशा बहाना करता है, षड्यंत्र करता है। आपने देखा, समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, हुआ था कि नहीं हुआ था? 4 बार में क्या लखीमपुर खीरी को मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने दिया? क्या है ना लखीमपुर खीरी का, लखीमपुर खीरी का अपना मेडिकल कॉलेज होगा, मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी का बनने का मतलब, बैठ जाओ उपचार के लिए किसी को लखनऊ दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनने के साथ ही मेडिकल की पढ़ाई करने वाले यहाँ के युवा होगी, और उत्तम स्वास्थ्य के विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं भी लखीमपुर जनपद में लखीमपुर जनपद वासियों को प्राप्त होगी। आप भाइयों बहनों, इसकी कसौटी को आप तब सामने देखने को मिलता है जब संकट आता है। सबसे बड़ा संकट था कोरोना महामारी, और कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा सपा गायब थी,
अन्य दल भी गायब थे, जबरदस्ती चुनाव जीत डबल इंजन की सरकार कार्य कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का जन्म जनता की सेवा के लिए लगा हुआ था। और उस समय फ्री में टेस्ट इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर गरीब को उपलब्ध करवाने का काम सरकार कर रही थी। 77,000 गरीबों के लिए शौचालय भी लखीमपुर जनपद में बने हैं। 7,000 से भी स्ट्रीट वेंडर को यानी पटरी व्यवसायियों को पेंशन निधि योजना में बैंकों से जोड़ने का काम भी किया गया और 4,220 से अधिक मजदूरों में विद्युतीकरण का कार्य करने के साथ ही भाइयों बहनों 1,07,000 गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने का कार्य अकेले इस जनपद में हुआ है। अरविंद गिरि जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है, पूरा देश लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ अनेक कार्यक्रमों का आयोजित कर रहा है। मैं स्वयं प्रातः काल लखनऊ में ही प्रातः 8:30 बजे हजारों नागरिकों स्कूली छात्रों के साथ एक राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बना। रन फॉर यूनिटी अपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर हर जनपद में आयोजन हो रहे हैं। छोटू और उसके बाद इसी माटी के लाल स्वर्गीय राम कुमार वर्मा जी ने सरदार पटेल स्मारक समिति का गठन करके सरदार पटेल पहले आत्महत्या करता था, डबल इंजन की सरकार ने अन्नदाता किसानों के को दिले कार्य किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,45,000 अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले आपके इस जनपद में लखीमपुर को हो रहा है। रसोई गैस का चूल्हा चल सके, लगभग 5,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन अंदर उपलब्ध करवाने के कार्य हुए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वास्तविक रूप कहीं देखना हो तो लखीमपुर खीरी के अंदर है। भाइयों बहनों जहां 20,000 बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक सरकार के द्वारा योजना का लाभ देने का कार्य किया जा रहा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती रेखा वर्मा जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, श्री जेपीएस राठौर जी, श्री असीम अरुण जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, श्री सतीश शर्मा जी, श्री संजय गंगवार जी, श्री सुरेश राही जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश संगठन के पदाधिकारीगण श्री संतोष सिंह जी, अनूप गुप्ता जी, अमरपाल मौर्य जी, शंकर राम मोदी जी, सुनील जी, लोकप्रिय